एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज के जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है हेवन ऑफ फ्रीडम, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का वन ऑफ द फेमस पोयम है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के फेमस पोयम का जो कलेक्शंस है गीतांजलि से लिया गया है, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो वीडियो अगर आपके सिलेबस का और आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगता है और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम इज ए नाइस पोएम, एक अच्छी पोएम है, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई। हु इज रिस्पेक्टेड, जो कि रिस्पेक्ट किए जाते हैं, आदर किए जाते हैं, एज द इंटरनेशनल इंडियन लिटरेरी हीरो, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय लिटरेरी साहित्यिक हीरो के रूप में रिस्पेक्ट किए जाते हैं। ही रोट पोएम इन बंगला एंड इंग्लिश, वो जो पोएम अपने लिखते थे वो बंगला और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखते थे। इन 1913, अब 1913 में ही रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ही प्रोड्यूस सम 60 कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब लगभग वो 60 मतलब पोएम का कलेक्शंस लिखे हैं, समूह लिखे हैं। नियरली 100 शॉर्ट स्टोरी, लगभग 100 के आसपास वो शॉर्ट स्टोरीज लिखे हुए हैं। सेवरल नॉवेल्स, ढेर सारा उपन्यास, प्ले, ड्रामा, एसीएस, सोशल एंड लिटररी टॉपिक्स एंड अदर ओवर 2500 सॉन्ग्स, यानी 2500 के आसपास सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया का जो नेशनल एंथम्स है, जो जनगणमन, और जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, दोनों लिखे हुए हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर ही। तो द प्रेजेंट पोएम, अब जो हम लोग का प्रेजेंट पोएम है, हेवन ऑफ फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम टैगोर फेमस बुक, टैगोर के फेमस बुक से लिया गया है इसको, गीतांजलि, जो कि हम पहले बता चुके हैं, इसको गीतांजलि से लिया गया, फॉर विच ही वॉन द नोबेल प्राइज, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। उनको जो नोबेल प्राइज मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, उसी बुक से ये पोएम लिया गया है। इन दिस पोएम, अब इस पोएम में द पोएट एक्सप्रेसेज हिज विजन ऑफ ए यूटोपियन इंडिया, पोएट अपना एक्सप्रेस करते हैं विजन, मतलब जो यूटोपियन इंडिया का, मतलब जो काल्पनिक इंडिया है उनके हिसाब से, जैसा इंडिया होना चाहिए, जिसकी जिस इंडिया की वो कल्पना करते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि कैसा उनके हिसाब से इंडिया होना चाहिए। टैगोर डिस्क्राइब सम वर्चुअल एंड आइडियल कंडीशन बाय विच वी कैन ऑब्टेन द फ्रीडम, अब जो टैगोर है कुछ अच्छे आइडियल और वर्चुअल कंडीशन बताते हैं जिसके द्वारा हम लोग फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, टैगोर टॉक्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फियरलेस माइंड, पहले तो टैगोर बात करते हैं फियरलेस माइंड के बारे में, ऐसा माइंड जो कि डरा हुआ ना हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं, फ्री नॉलेज के बारे में इस पोएम में बात करते हैं। एज द पोएटिक क्वालिटी इज कंसर्न, और जहाँ तक इस पोएम की पोएटिक क्वालिटी की बात है, द पोएम इज इन फ्री वर्ड्स, पोएम बिल्कुल फ्री वर्ड्स में, कोई लयबद्ध तरीका नहीं है पोएम का। देर इज नो डिविजन ऑफ स्टांजा, ना ही स्टांजा का डिविजन है, मतलब वो होता है 4 स्टांजा या 5 स्टांजा की पोएम है, 8 स्टांजा की, तो वैसा स्टांजा का भी डिविजन नहीं है। रेगुलर राइम स्कीम और रिदम, और ना ही रिदम है ना ही रेगुलर राइम स्कीम है, जैसे राइम स्कीम मीटर होता है ना, ए बी सी ऐसे करके दिया हो रहता है या ए बी रिपीट हो रहा है इस तरीके से, तो वो भी नहीं है। इन फर्स्ट 3 लाइन्स, अब शुरू की 3 लाइन में टैगोर सेज, टैगोर कहते हैं, द माइंड ऑफ ए मैन शुड नॉट हैव एनी फियर, जो एक आदमी, मैन का मतलब इट नॉट मीन्स ओनली मैन, जो एक मनुष्य जो होता है ना, उसका जो माइंड होता है शुड नॉट हैव एनी फियर, उसके माइंड में कोई फियर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, बट ब्रेव एंड करेजियस टू सस्टेन एंड मेंटेन द ट्रूथ, बल्कि ब्रेव, बहादुर और करेजियस, यानी साहसी होना चाहिए ताकि वो मेंटेन रख सके, कायम रख सके, सच को मेंटेन रख सके, सच को। द हाई हेल्ड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, अब पोएट कहते हैं कि जो हाई हेल्ड यानी उच्च धारणा भी बराबर इंपॉर्टेंट होता है इन द लाइफ में, टू अचीव द फ्रीडम, फ्रीडम को पाने के लिए उच्च धारणा भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग ए पोइनियर ऑफ एजुकेशन इंडिया, इंडिया में पोइनियर यानी अग्रदूत होता है, एजुकेशन के पोइनियर होने के नाते, मतलब इंडिया में जो एजुकेशन को लाए हैं, बढ़ावा दिए हैं, तो टैगोर इन सब में आगे रहे हैं एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। तो बीइंग ए पोइनियर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, टैगोर बिलीव्स इन एजुकेशन, टैगोर ऐसे एजुकेशन में बिलीव करते हैं विच मस्ट बी फ्री, जो कि फ्री हो एंड नॉट बाउंड इन एनी नैरो बुक सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली, जो कि मतलब फ्री हो, सिर्फ ये बुक वाला नॉलेज या फिर बुक सिस्टम के द्वारा सिर्फ बाउंड ना किया गया हो, सीमाएं उसकी तय ना की हो गई हो एग्जामिनेशन और बुक के थ्रू, मतलब फ्री नॉलेज हो ना, मतलब सिर्फ बुक और एग्जामिनेशन में सीमित ना हो, कि जो बच्चा बुक पढ़ा है और जो बच्चा एग्जाम दिया हुआ वही उसी के पास नॉलेज होता है, तो इस ये नॉलेज को सपोर्ट नहीं करते थे टैगोर, मतलब ऐसा एजुकेशन नहीं चाहते थे।
देन टैगोर टॉक्स अबाउट द यूनिटी ऑफ नेशन. अब टैगोर यूनिटी ऑफ नेशन के बारे में बात करते हैं, नेशन की एकता, राष्ट्र की एकता के बारे में. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो हम लोग का छोटा संकीर्ण डोमेस्टिक घरेलू दीवार जो है ना, सेपरेट मैन फ्रॉम मैन, मैन को मैन से अलग करता है, मतलब इंसान को इंसान से अलग कर देता है. टू रिमूव देम, उनको हटाने के लिए, फ्री एंड फ्रेंक कम्युनिकेशन विद एवरीवन इज वेरी नेसेसरी. फ्री मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के, और फ्रेंक बिना किसी भेदभाव के किसी के साथ बात करना, कोई भी इंसान हो उसके साथ, ये बहुत जरूरी है ताकि वो हम लोग जो मैन और मैन के बीच जो मतलब आ गया है, मतलब फ्रैक्शन आ गया है, उसको हटाने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी इंसान से बात करें. अनदर इम्पॉर्टेंट मैटर इज दैट फ्रीडम इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ. और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैटर है ये है कि जो फ्रीडम है ना वो ट्रूथ पे बेस्ड होता है, सच्चाई पे. हेयर टाइगर इंक्लूड्स, यहाँ पे टाइगर इंक्लूड करते हैं गांधीयन फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ. गांधी जी इंक्लूड, मतलब यहाँ पे टैगोर इंक्लूड करते हैं गांधी जी के सच के फिलॉसफी को. इन माय एक्सपेरिमेंट ऑफ विद ट्रूथ, गांधी जी हैज फुल्ली एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ ट्रूथ. तो जो गांधी जी का बुक था माय एक्सपेरिमेंट ऑफ विद ट्रूथ, ये गांधी जी जिसमें मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं सच्चाई के वैल्यू को, सच के वैल्यू को. फॉर गांधी जी के लिए रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ मतलब मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को रियलाइज कर लेना. द पोएट वॉज वेरी इन्फ्लुएंस एंड इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी. जो पोएट है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस्ड होते हैं गांधी जी के द्वारा. एंड प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, और प्रेजेंट करते हैं ट्रूथ के वैल्यू को. टू गेट द फ्रीडम, अब आज़ादी पाने के लिए, द पोएट बिलीव्स इन परफेक्शन. तो पोएट बिलीव करते हैं परफेक्शन में, यानी पूर्णता में. इट कम्स आफ्टर हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूस एफर्ट, और जो कि आती है काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद और कंटिन्यूस एफर्ट, लगातार मेहनत करने के बाद, लगातार कोशिश करने के बाद. मतलब कोई भी काम हो उसमें आपको मतलब परफेक्शन तभी आएगा जब आप लगातार उस काम को कर रहे हैं और काफ़ी हार्ड उस टाइम को, उस काम को मतलब टाइम दे रहे हैं और पूरी मेहनत से कर रहे हैं, तभी वो आपका परफेक्शन आएगा. वी शुडंट थिंक ऑफ टायर्डनेस. हम लोग को टायर्डनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब थकान के बारे में. टायरलेस स्ट्रीविंग इज द ओनली द वे, और बिना थके प्रयास करना ये एक तरीका है मतलब परफेक्शन को पाने का. द पोएट प्लीज लेट दिस थिंग्स कम इन ऑर्डर टू अवेक हिज कंट्री. पोएट कहते हैं कि इन सब चीज़ों जिसके अभी बात किए हुए वो आगे मतलब इस पोएम में, कि आने दो अब कंट्री को एंड अवेक टू हिज कंट्री, और उनके कंट्री को, ताकि उनका कंट्री जाग जाए. एंड सोस नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म थ्रू दिस पोएम. और नेशनलिज्म, राष्ट्रीय वादिता और पेट्रोटिज्म, देशभक्ति शो करते हैं इस पोएम के थ्रू. इन दिस वे, इस तरीके से टैगोर वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट. टैगोर एक ग्रेट महान नेशनलिस्ट थे एंड माइटी इंटरनेशनलिस्ट, और शक्तिशाली इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे. हिज पोएट्री इज बॉर्न आउट एन अमेलगम ऑफ द रिच क्लासिक हेरिटेज ऑफ द एंशियंट इंडिया. जो उनकी पोएट्री जो होती है वहाँ आती है अमेलगम यानी मिश्रण से, मतलब इंडिया का जो क्लासिक रिच क्लासिक हेरिटेज है, क्लासिक यानी शास्त्रीय हेरिटेज, यानी हम लोग का जो क्या कहते हैं विरासत में मिली हुई है, मतलब समृद्ध रिच यानी समृद्ध शास्त्रीय विरासत से जो मतलब मिली हुई है. मतलब उनकी कविता जो होती है ना, मतलब जो प्राचीन भारत का समृद्ध शास्त्रीय विरासत के मिश्रण से पैदा हुई है, एंशियंट इंडिया के समृद्ध शास्त्रीय विरासत के मिश्रण से पैदा हुई है. तो यहाँ पे ये पोएम खत्म होता है. तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.